माता रोज मधुबन हर साल आती है और गीता पाठशाला चलाती है। तो कहते भाई जी पति ज्ञान सुनता ही नहीं है। बिल्कुल, हमें कहा लक्ष्मी कमाती है, नारायण खाता है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? दुनिया में नारायण कमाता है तो लक्ष्मी खाती है। अब यहाँ आप कमाते हो, आप ज्ञान ध्यान करते हो, पति की भी कमाई होगी उससे। तो पता चला कि उसके बाद पति रोज सेंटर में छोड़ने आता है, लेने आता है। अगर एक साल के अंदर वाइफ कैंसर बीमार से चली गई और उनकी दो लड़कियां हैं और वो गांव में मकान था, तो अभी तो उसने वो माता ने शरीर छोड़ा, वो मकान बेचा, सेंटर के सामने मकान लिया, दोनों लड़कियों को आज भी सेंटर में समर्पित किया है। तो माता जी आगे गए कि पिता आगे गया? अब पूछा मैंने, एक दिन मिला पूछा, आप माता जी को सेंटर में छोड़ते थे, अंदर क्यों नहीं आते थे? भाई जी सच्ची बात बताओ, माता जी रोज मुरली क्लास करती है, मुरली सुन के जाती है, हर बच्चों को दोनों लड़कियों को गुस्सा करती है, मारती है, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ मैं जाएगा तो क्या उद्धार होगा वहां, इसलिए मैं अंदर पाव नहीं रखता था। माता जी मुरली सुन के जाके क्या करती है, उनका कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, इसलिए मैंने पाव भी पीछे मैं भी आता नहीं था। अब मुझे विश्वास था ये अच्छा संत है, अच्छा ज्ञान सुनना चाहिए। माता जी छोड़ के गई, दोनों लड़कियों को दादी के हवाले कर दिए, आज भी सेवा कर रहे हैं। और उसने भी वो मकान बेचा और सेंटर के सामने मकान दिया, 24 घंटा सेवा।